हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बिल्कुल एक नए चैप्टर का जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और पता नहीं क्यों लेकिन जितने भी टेंशन में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी को इस चैप्टर में बहुत ज्यादा डर लगता है। वो ऐसा फील करते हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट चैप्टर है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको अश्योरेंस देता हूं, अगर आप लोग ये इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे ना, तो एटलीस्ट आपको लेसन नंबर 8 में तो बिल्कुल भी यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसा कि यहाँ पे चैप्टर का नेम ही क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, मतलब क्या हुआ कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से यहाँ पे क्या होने वाले हैं, इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। ठीक है, तो क्यों ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हम सबसे पहले समझे कि इसका मतलब है क्या। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो सिंपल यहाँ पे दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, सबसे पहले ट्रिग्नोन और मेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोन का मतलब सिंपल यहाँ पे क्या होता है, ट्राइंगल। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ट्राइंगल। मेट्री मतलब सिंपल यहाँ पे क्या होता है, मेजर करना। तो यहाँ पे अगर आप लोग इन दोनों को मर्ज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ट्राइंगल को मेजर करना ही क्या होता है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री होता है। ठीक है, बस यहाँ से आपको एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री मीन्स ट्राइंगल को मेजर करना, उसको हम लोग मापने वाले हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अब आगे क्या, तो देखिए इस पूरे की पूरे लेसन के अंदर, चैप्टर के अंदर जो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे याद रखने वाली बात है और जो सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज होने वाला टर्म है ना, वो सिंपल यहाँ पे क्या है, ये दोनों को दोनों। तो सबसे पहले हम थीटा के बारे में समझते हैं। तो देखिए, थीटा का सिंबल सिंपल है, हमारे पास किस तरीके का होता है, ये थीटा का सिंबल है। अब थीटा का मतलब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि थीटा का मतलब होता क्या है। थीटा का मतलब सिंपल यहाँ पे देखने जाएंगे तो थीटा एक ग्रीक लेटर है, जो कि ग्रीक अल्फाबेट का यहाँ पे 8वां लेटर है। ठीक है, और इसका यूज क्यों होता है, तो सिंपल सा आप लोग यहाँ पे याद रखिए कि जब भी यहाँ पे एक अननोन वैल्यूज को फाइंड करना हो ना, तो वहां पे हम लोग इस सिंबल का यूज करते हैं, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा मीनिंग हो गया हमारा थीटा का। तो थीटा क्यों यूज होता है वो आपको समझ में आ गया, जब भी हमें यहाँ पे एक अननोन वैल्यू को फाइंड करना हो तो हम लोग यहाँ पे थीटा का यूज करेंगे। अब दूसरा यहाँ पे सिंपल क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझने के लिए सबसे पहले मैं इन सभी को मिटा लेता हूँ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझने से पहले आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जो सबसे मेन रोल प्ले करने वाला है वो कौन सा ट्राइंगल है। यहाँ पे सिंपल ये राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर की जो भी चीजें हैं वो आपको आनी चाहिए। तो सिंपल यहाँ पे तीन चीज होता है, सबसे पहले बेस, परपेंडिकुलर और हाइट। ठीक है, सबको पता है यहाँ पे कि बेस क्या होता है, सिंपल ये जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। और उसके बाद जो स्ट्रेट लाइन खड़ा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और ये जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो होता है वो क्या होता है, हम सिंपल हमारे पास हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इतना हम सबको अभी तक पता है, बट इस चैप्टर के अंदर सिंपल ये जो रूल है ना ये अप्लाई नहीं होगा। मतलब सिंपल सा यहाँ पे ये है कि इस चैप्टर के अंदर ये जो बेस, परपेंडिकुलर और हाइट जो है ना, वो सिंपल किसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा, तो वो है थीटा के बेस। ठीक है, मतलब क्या है, सिंपल यहाँ पे ये समझिए, जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे थीटा देकर रखेंगे, कहाँ पे मान लीजिए कि थीटा भी कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ए के पास में हमारा थीटा वो दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे बेस सिंपल हमारा क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला साइड, इसके साथ वाला साइड। तो इसके साथ में कौन सा साइड है, सिंपल यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन। तो ये अब हो जाएगा बेस, याद रखना खाली ये मेन पॉइंट है आपका। ठीक है, जो जहां पे भी थीटा रहेगा ना उसके साथ वाला जो साइड होगा ना वो हमेशा क्या होगा, इस चैप्टर के अंदर बेस। और उसके सामने वाला साइड इट मीन्स ये, इसके सामने कौन सा साइड है आपका, ये। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। और ये तो अपने साथ नाम ही लिखवा के रखा है कि 90 डिग्री जहां पे होगा ना उसके सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा। ठीक है, इतना क्लियर। अब मान लीजिए कि आपका थीटा कहाँ पे है, ये सी के पास में है ना। तो अब आप ही मुझे बताइए कि सी के साथ वाला साइड कौन सा है। तो देखिए सी के साथ वाला साइड कौन सा होगा, सिंपल हमारा ये। तो यहाँ पे जो बेस है ना, यहाँ पे बेस हो जाएगा ये वाला साइड। और इसके सामने वाला साइड कौन सा है, तो सिंपल ये। तो ये हो गया सिंपल हमारे पास परपेंडिकुलर। और ये जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड है वो हमेशा क्या होता है आपका, हाइपोटेन्यूज। इतना आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत है इसके अंदर तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। ठीक है, तो ये सबसे मेन पॉइंट है, अगर आपको ये आ गया
तो हर एक चीज आ गया। ठीक है, एक बार जल्दी से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि थीटा जहां पे होगा उसके साथ वाला साइड जो होगा वो क्या होगा, आपका बेस, उसके सामने वाला साइड होगा हमेशा आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, इस केस के अंदर यहाँ पे ए के सामने हमारे पास थीटा है, तो इसके साथ वाला साइड कौन सा हो गया हमारा, ये, तो ये हो गया हमारा बेस। इसके सामने कौन सा साइड हमारा, ये, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। यहाँ पे चेकआउट करने जाएंगे तो ये हमारा यहाँ पे थीटा है हमारा, ठीक है, तो थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है हमेशा हमारे पास परपेंडिकुलर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। और इसके साथ वाला साइड जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा बेस, तो ये हो गया हमारा बेस। और हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो होगा वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इतना क्लियर। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझने के लिए पूरी तरह से रेडी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जल्दी से एक नया ट्राइंगल बना लेता हूँ। ठीक है, ओके, तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे ये समझ लिया कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है और परपेंडिकुलर क्या होता है, तो आपको अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाले। ठीक है, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है, तो बेसिकली यही 6 के 6 जो है ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। और इसके अंदर सिंपल आपको करना क्या है, तो सिंपल यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सभी के लिए सिंपल फॉर्मूला होता है, और इस फॉर्मूला को जस्ट आप लोग यहाँ पे यूज करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। थीटा कहाँ पे है, तो सी के पास हमारा थीटा है, तो देखिए अब यहाँ पे बेस हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा साइड बेस। इसके सामने वाला जो है ये क्या हो जाएगा हमारा, ये परपेंडिकुलर, तो ये पी परपेंडिकुलर। एंड 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है हमेशा वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो हमें मिल चुका है बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो अब इसके फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए सिंपल हमें क्या करना होगा, तो देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है हर किसी को, तो सिंपल यहाँ पे आपको ये मंत्र याद रखना है पंडित जी को बुलाकर। देखिए कैसे याद करोगे, तो सिंपल यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला इस तरीके से याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले और सोना चांदी तोले। ठीक है, ये जो ट्रिक है जिसके बेसिस पे आपको ये फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इतना याद हो गया। और नीचे जो है ना ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, जहां पे सबसे पहले आएंगे आपके कौशिक, यहां पे आ जाएंगे आपके सिक और यहां पे आ जाएंगे आपके कॉट। ठीक है, इसको टेबल फॉर्म में लिख लेता हूं मैं अच्छी तरीके से। तो सिंपल यहाँ पे आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है, ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं इसका फुल फॉर्म क्या क्या होगा। तो देखिए एस स्टैंड फॉर साइन, ठीक है, सी मतलब यहाँ पे क्या हो गया कॉस, एंड टी मतलब क्या हो गया यहाँ पे टैन। ओके, एंड नीचे जो है इनको बारे में तो आपको पता ही होगा, कॉसिक यहाँ पे आपके पास है, सिक ये रहा एंड कॉट ये रहा। ठीक है, तो ये दोनों दोनों बेसिकली क्या है आपके पास, ये पूरा के पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब यहाँ पे पी फोर मतलब पी इट मीन क्या हो गया सिंपल हमारे पास परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, पी मतलब अगेन परपेंडिकुलर, एच इट मीन हाइपोटेन्यूस, ये हाइपोटेन्यूस एंड यहाँ पे आपका बेस। ठीक है, ये पूरा पूरा क्लियर। अब हम जल्दी से यहाँ पे आते हैं, इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा मतलब साइन का सिंपल फॉर्मूला क्या आएगा, साइन का फॉर्मूला क्या आएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब कॉस मतलब सिंपल यहाँ पे क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो यहाँ पे हो गया बी अपॉन एच। एंड लास्टली यहाँ पे टी, टी मतलब टेन, टेन का मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा सिंपल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब सिंपल यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला जो है इसका फॉर्मूला कैसे याद रखना है, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, ये नॉर्मली P अपॉन H हो गया था, जस्ट अब कॉसेक इटमीन्स क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, ये इसका उल्टा, मतलब कॉसेक का फॉर्मूला अगर आपको लिखना है तो इसका अपोजिट। सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट, तो यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा ऊपर में आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक का फॉर्मूला सिंपल वापस इसका अपोजिट, हम लोग ने ऊपर में जब फॉर्मूला डिराइव किए थे तो नॉर्मली सीधा सीधा कर दिए थे, लेकिन नीचे वाला जो है तो उसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल। यहाँ पे सेक का फॉर्मूला सिंपल क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। एंड लास्टली यहाँ पे कॉट, तो कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सिंपल इस तरीके से आप लोग एक ही बार में पूरा का पूरा फॉर्मूला याद कर सकते हो। जब आप लोग यहाँ पे एस सी एन टी का फॉर्मूला लिख रहे हो तो यहाँ पे नॉर्मली सिंपल इस तरीके से लिख देंगे, एंड जब आप नीचे का जो कॉसेक सेक एंड क्वाड का फॉर्मूला लिखोगे तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम लोग। ठीक है, ये पूरा पूरा क्लियर। अब सिंपल यहाँ पे हम लोग इसके अंदर से क्या कर सकते हैं, इसका साइड लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, यहाँ पे ए बी, तो यहाँ पे हो गया आपका ए बी।
एंड हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, ए सी, तो ये हो गया आपका ए सी। सबके सब इसी तरीके से आप लोग लिख सकते हो। तो बेस सिंपल हमारे पास कौन सा साइड है, बेस का बी सी, तो ये हो गया आपका बी सी। एंड हाइपोटेन्यूज क्या हो गया आपका ए सी। ठीक है, सारे के सारे इसी तरीके से अगेन परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए बी, तो ए बी। एंड बेस हमारे पास क्या है, बी सी। ठीक है, उसके बाद हाइपोटेन्यूज अगेन क्या है आपके पास यहाँ पे, ए सी, तो यहाँ पे हो गया आपका ए सी। एंड परपेंडिकुलर हमारे पास हो गया ए बी। ओके, अगेन आगे हाइपोटेन्यूज हमारे पास है ए सी, ए सी। एंड बेस हमारे पास क्या हो गया, बी सी। ओके, एंड लास्टली अगेन बेस हमारे पास क्या है, ये बी सी, तो ये हो गया आपका बी सी। एंड परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए बी, तो ये हो गया आपका ए बी। ठीक है, इतनी इजीली तरीके से आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये पूरा के पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको इतना पूरा पूरा क्लियरली समझ में आ चुका होगा। और अगर आपको ये पूरा समझ में आ गया तो पूरा की पूरा 8.1 के अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसके प्रैक्टिकल जो सम्स है उसको हम लोग अब अगले वीडियो में करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं, ओके, तो मिलते हैं हम लोग अब 8.1 के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।